हैं तो वो एक्सपोर्ट कंसीडर होती है। और वो क्या एग्जांपल है, एनीवन नोस, कि आपने लोकली चीज बनाई है और लोकली किसी को बेची है लेकिन वो एक्सपोर्ट है। वेरी गुड। सो आप इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर हैं। तो ऐसे तमाम मैन्युफैक्चरर जो इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो अपनी प्रोडक्ट एक ऐसी पार्टी को, एक ऐसे मैन्युफैक्चरर को बेच रहे हैं जो आगे एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व है, तो उसमें भी आप एक्सपोर्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी दो कैटेगरीज आ जाती हैं, एक वो जिसमें आप फॉर्मली उसको बेच रहे हैं एक्सपोर्ट के थ्रू PSW इन्वॉल्व करके, तो वो आपकी एक्सपोर्ट है, और दूसरा तरीका है कि आप लोकल उसको इन्वाइस कर देते हैं और वो आगे एक्सपोर्ट करता है, तो आपकी एक्सपोर्ट हिस्ट्री कहीं बन नहीं रही होती। लेकिन अगर आप किसी ऐसे यूनिट को सेल करते हैं जो के फ्री ट्रेड जोन्स के अंदर रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, ठीक है, यानी कि हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जहाँ पर रजिस्टर्ड कंपनीज एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग करती हैं, उनको फ्री ट्रेड जोन भी कहते हैं, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स भी कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी कहते हैं, वहाँ पर रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स को जब भी आप कुछ बेचते हैं वो एक्सपोर्ट कहलाती है, और उन कंपनीज की वो इम्पोर्ट कहलाती है। हालांकि वो एक ही कंट्री में, एक ही बाउंड्री में काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी पॉलिसीज डिफरेंट है, उनकी अथॉरिटी डिफरेंट है, बट यस, वो भी पाकिस्तान सिंगल विंडो में ही काम कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल ट्रेड का स्कोप है। अगर अगर हम इसमें कमर्शियल ट्रेडिंग की बात करें, तो कमर्शियल ट्रेडिंग के लिए पाकिस्तान में, सर जी, सर देखिए, एग्जैक्टली, अगर तो आप सेल कर रहे हैं और जीडी फाइल कर रहे हैं एक्सपोर्ट की, यानी फ्री ट्रेड जोन में आपकी प्रोडक्ट जा रही है वाया जीडी, ठीक है, तो फिर जब आप जीडी फाइल करेंगे तो आप रिबेट क्लेम करेंगे, ठीक है। रिबेट के भी डिफरेंट SROs हैं, उसमें से एक SRO ये कहता है कि गवर्नमेंट आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछती कि आपने रॉ मटेरियल लोकल परचेज किया या इम्पोर्ट किया है, आप इम्पोर्ट में ड्यूटीज पे कर रहे हैं या आपने लोकल ट्रेड इनडायरेक्ट परचेज की है और जो आपका इम्पोर्टर है उसने ड्यूटीज पे की हैं, इन तमाम चीज़ों को के कता नजर जब भी आप एक्सपोर्ट देंगे आपको एक सर्टन रेट के ऊपर आपके एच एस कोड पे रिबेट मिलेगा, तो यस, यू कैन क्लेम द रिबेट। अब वो जो एक्सपोर्टर है, जब उसने आपसे लिया गया मटेरियल प्रोसेस करके एक प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट की है, तो वो एच एस कोड भी अगर उस SRO में फॉल करता है तो वो भी रिबेट का हकदार है। तो रिबेट जो है उस एच एस कोड पर डिपेंड कर रहा है, जब भी वो एच एस कोड एक्सपोर्ट होगा उस पर SRO एप्लीकेबल होगा और आप उस पर रिबेट क्लेम कर सकते हैं। रिबेट सर होता है फिनिश गुड्स के ऊपर, ठीक है। अब अगर आप फ्री ट्रेड जोन में, इकोनॉमिक जोन के अंदर रजिस्टर्ड किसी कंपनी को कुछ चीज बेच रहे हैं और वो ऑलरेडी फिनिश है, तो वो किस तरह से यूज होगी? लाइक मैं अगर शर्ट्स एक्सपोर्ट करता हूँ और शर्ट के बटन्स की मैं बात करूँ, तो बटन्स पे रिबेट नहीं है, एक फिनिश्ड शर्ट के ऊपर रिबेट है, ठीक है, इस एग्जैक्टली और एक और बात ये है कि फर्ज फर्ज करें, मैं इसकी एग्जांपल सर दूंगा थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए, कि अगर फर्स्ट करें आप शर्ट्स की, मैं एक कॉटन शर्ट्स बना रहे हैं लेकिन वो कलर नहीं है उसका, ग्रे फैब्रिक है ना, ग्रे फैब्रिक की आप शर्ट बना रहे हैं, तो ग्रे फैब्रिक पे रिबेट का रेट डिफरेंट है। जब वो उसमें कोई वैल्यू ऐड करेगा, यानी उसको कोई डाई करेगा, डाई के बाद तो उसका उसका रिबेट डिफरेंट होगा। तो जिस तरह उन्होंने सप्लाई चेन की बात की, जहाँ जहाँ वैल्यू एडिशन हो रही है वहाँ वहाँ उस वैल्यू एडिशन के हिसाब से एक्सपर्ट्स ने रिबेट के रेट्स डिफाइन किए हुए हैं और उस हिसाब से एक्सपोर्टर को रिबेट मिलेगा, लेकिन मिलेगा एक्सपोर्टर को ही। अगर मैन्युफैक्चरर है लेकिन वो लोकल इनवाइस कर रहा है तो वो रिबेट का हकदार नहीं है, रिबेट उसी पार्टी को मिलेगा जो जीडी फाइल करेगा। और कमर्शियल ट्रेडर की, हाँ, हम बात वहीं से स्टार्ट हुई थी कि ट्रेडर की डेफिनेशन क्या है। PSW के अंदर या VBOC के अंदर जो ट्रेडर का रोल आ रहा है, आप चाहे मैन्युफैक्चरर हैं चाहे आप ट्रेडर हैं, जब भी आप यूजर रजिस्टर करेंगे VBOC के अंदर तो कस्टम आपको ट्रेडर लेगा, ट्रेडर का रोल असाइन करेगा। रीजन बिहाइंड कि उस प्लेटफॉर्म पर आपने एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करनी है और वो दोनों एक्टिविटीज ट्रेड के स्कोप में आती हैं।
तो हर वो पार्टी जो ट्रांजिट ट्रेड में इन्वॉल्व है या लोकल ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, उसके लिए वो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की वजह से ट्रेडर आईडी उसको इशू की जाती है। तो पाकिस्तान में कमर्शियल ट्रेडर के लिए या कमर्शियल पार्टी के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए एलिजिबल होने के लिए ये फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, जिसमें सोल प्रोपराइटर से स्टार्ट करके पब्लिक लिमिटेड कंपनी तक ये मौजूद है। आई गेस इसमें हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इससे अगले स्टेप पर जाएं तो पाकिस्तान सिंगल विंडो की रजिस्ट्रेशन के लिए हमें किन किन रिक्वायरमेंट्स को मीट करना पड़ेगा, उसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। द फर्स्ट थिंग इज मैंडेटरी रजिस्ट्रेशंस, ये वो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि एक कमर्शियल पार्टी को हासिल करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू गेट, जिसको आम अल्फाज में हम लाइसेंस कहते हैं और टेक्निकली PSW सब्सक्रिप्शन। तो अगर तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या सिंगल मेंबर कंपनी है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, यानी सोल प्रोपराइटर और जनरल पार्टनरशिप के अलावा जितनी भी फॉर्मेशंस हैं वो सब SECP के थ्रू फिर NTN पे आती हैं, फिर उनका बैंक अकाउंट बनता है जो कि बिजनेस बैंक अकाउंट है, फिर सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन होती है, चैम्बर मेंबरशिप है, VBOC और PSW है। अगर तो जस्ट आप एक्सपोर्टर हैं और आप ये इन रिटर्न कस्टम ऑफिस जाकर अंडरटेकिंग देते हैं कि सिर्फ हमारा काम सिर्फ एक्सपोर्ट है, हमने लोकल परचेजिंग या जो इम्पोर्ट है वो हमारी कहीं पे इन्वॉल्व नहीं है, तो मैंने मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक कुछ लोगों को जस्ट एक्सपोर्ट्स के बेस के ऊपर सेल्स टैक्स एग्जम्पशन मिल जाती है, यानी उनकी STRN में रजिस्ट्रेशन के बगैर जो है वो उनको रजिस्ट्रेशन मिल जाती है। लेकिन PSW बाय डिफॉल्ट आपसे सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन डिमांड करता है, उसकी सब्सक्रिप्शन के लिए जरूरी है कि सेल्स टैक्स रजिस्टर हो, चैम्बर की मेंबरशिप है और उसके बाद फिर PSW है। जब हम सेक्टर स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि इंपोर्टिंग या एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के नेचर के ऊपर डिमांड की जाती है। जैसे कोई फ्रेश मीट एक्सपोर्ट करता है तो मीट के ऊपर हलाल सर्टिफिकेशन है, एनिमल की हेल्थ हेल्थ की सर्टिफिकेशन है, क्वारंटाइन के रिक्वायरमेंट्स हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स हैं तो उसके ऊपर फाइटोसैनिटरी रिक्वायरमेंट्स हैं एंड सो ऑन। जैसे इंजीनियरिंग की बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट है उस पर EDP की रजिस्ट्रेशन, EDP का कोटा रिक्वायर्ड होता है। तो ये वो सेक्टर स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन हैं जो कि आपको HS कोड के मुताबिक डिफाइन करनी पड़ेंगी। आप में से कितने लोग हैं जो ट्रेड इन्फॉर्मेशन पोर्टल यूज़ कर रहे हैं TIPP के नाम से, TIPP? मैं इसको लिख देता हूँ एंड पे, इंशाल्लाह हम इसको भी डिस्कस करेंगे। इसका लिंक है TIPP.gov.pk। तो जिस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट की मैं बात कर रहा था, उस एग्रीमेंट में ही क्लॉज है कि आप अपनी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है और जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट्स अपने कंट्री के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए और ट्रांजिट ट्रेड के लिए वो सारी पब्लिक करेंगे, ऑनलाइन नजर आएंगी। आपको अगर एक सर्टिफिकेट चाहिए तो सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, कितने ड्यूरेशन में मिलेगा, उस पर कितनी फी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें पब्लिकली अवेलेबल करेंगे। तो पाकिस्तान का अपना प्लेटफॉर्म है ट्रेड इन्फॉर्मेशन पोर्टल ऑफ पाकिस्तान के नाम से, जो कि काफ़ी हद तक 90-95% तक डेवलप